हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा अच्छा दस के विद्यार्थी हैं और सात मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा दो में हंड्रेड परसेंट पूछे जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर का वीडियो आ चुका है चैनल पर आप लोग जाकर देख लें हिंदी विषय के भी कई मॉडल पेपर आप देख पाओगे ग्रह विज्ञान और चित्रकला विषय का भी मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया है तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर भी लिख लेना जी हाँ इन प्रश्नों को आप लोग लिख लेना इससे फायदे दो होंगे आप सभी के पहली बात तो आपको प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ जाएगा और दूसरी बात आपकी राइटिंग भी अच्छी होने लगेगी यदि अच्छी होती है तो और भी अच्छी बनाने का प्रयास करें क्योंकि जितनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी उतने अच्छे अंक आपको बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले हैं तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है बिल्कुल आसान सा उत्तर है और इन प्रश्नों का उत्तर आपको समझना है कुछ चीज़ों को याद करना है सो मैं आपको बताता चलूँगा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा उत्तर क्या होगा मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं अत्यंत प्रबल थी जो मध्यवर्गीय जर्मन लोग थे उनके अंदर यानी उनके हृदय में राष्ट्रवादी भावना बहुत ही अधिक प्रबल रूप से थी उन लोगों ने 1848 सौ ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था और उन लोगों ने क्या किया 1848 सौ ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था लेकिन इस प्रयास का राजशाही और सैन्य शक्ति ने सम्मिलित रूप से दमन कर दिया लेकिन उनके इस प्रयास को किसने राजशाही और सैन्य शक्तियों के द्वारा सम्मिलित रूप से दमन कर दिया गया उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया और उनका जो है प्रसा के जो बड़े बड़े भूस्वामी थे उन्होंने भी समर्थन किया उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व तो संभाल लिया और उसके बाद क्या हुआ प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व भी संभाल लिया उसका मुख्य मंत्री आटोवान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था और इस नेतृत्व को संभालने वाला अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व करने वाला यानी मुख्यमंत्री कौन था वान बिस्मार्क था और इसलिए जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका किसकी है आटोवान बिस्मार्क की है प्रश्न बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका या अहम भूमिका किसकी है आटो वान बिस्मार्क की है इस प्रक्रिया का इसे जनक माना गया था जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली जिसने क्या किया प्रसा की सेना की और नौकरशाहियों की मदद ली सात वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस में तीन युद्धों में से प्रसा की जीत हुई यानी सात वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस तीन युद्धों में से किसकी जीत हुई प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और यह जो एकीकरण की प्रक्रिया जिसके लिए आंदोलन चल रहा था यह प्रक्रिया पूरी हो गई जनवरी सौ ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया अब एक प्रश्न यहाँ से भी बनकर आता है और प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया तो प्रसा के राजा बिलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया तो मेरे प्यारे बच्चों जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से थी दूसरा जो प्रश्न है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान देंगे इस प्रश्न को तो आप समझ जाइएगा आपको रटना नहीं है नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं नमक सत्याग्रह क्या है इसका उत्तर क्या होगा अपने अठहत्तर विश्वस्त क्रांतिकारियों के साथ महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू कर दी किसके साथ महात्मा गांधी जी ने अपने अठहत्तर विश्वास पात्र सदस्यों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी यह यात्रा साबरमती में महात्मा गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होने थी यानी इस यात्रा का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने कहां से किया अपने आश्रम से जो कि साबरमती में था और साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कहाँ पहुंचना था दांडी नामक स्थान था जो कि गुजरात में तटीय इलाका था कस्बा था वहां पर खत्म होनी थी गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक प्रतिदिन लगभग 10 मील का सफर तय किया और महात्मा गांधी जी की इस टोली ने 24 दिन तक लगभग क्या किया दस मील का सफर तय किया और इसके पश्चात ये गंतव्य स्थान तक पहुंच गए यानी जहां इनको पहुंचना था वहां पहुंच गए गांधी जी जहां भी रुकते थे यानी रुकते वहां हजारों लोग उन्हें सुनने आते और इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ भी स्पष्ट किया महात्मा गांधी जी ने इस यात्रा के दौरान जो सभाएं हुई उन सभाओं में स्वराज क्या है स्वराज का अर्थ क्या है हमें स्वराज क्यों चाहिए और इसका बिल्कुल सरल अर्थ भी स्पष्ट किया तथा संदेश दिया कि लोग अंग्रेज़ों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें अर्थात अंग्रेजों का कहना न माने और ये भी संदेश दिया कि जितने भी लोग हैं मेरी बातों को सुनने वाले वे सभी लोग अंग्रेजों का शांतिपूर्वक अवज्ञा करें और अंग्रेजों का कहना न माने छह अप्रैल 1930 सौ ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुंचे वहां उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और इस प्रकार गांधी जी और उन अठहत्तर सहयोगियों ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर सबिनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया वहां पर महात्मा गांधी जी और उनके सहयोगियों ने पहुंचकर नमक बनाया और साथ ही क्या किया अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर सबिनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर आप सभी लोग ध्यान देंगे उन्नीस की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा इसका उत्तर होगा वैश्विक मंदी जो कि उन्नीस में आई थी पूरे विश्व में आई थी इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा 1928 से 1934 सौ ईस्वी के बीच भारत के व्यापार यानी जो कि आयात निर्यात में 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई 1928 से 1934 के मध्य जो भारत के व्यापार जो कि भारत कोई वस्तु आयात करता था और निर्यात करता था इसमें 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई गेहूं की कीमत 50 प्रतिशत गिर गई और गेहूं की कीमत कितनी गिर गई 50 प्रतिशत गिर गई नगरवासियों की अपेक्षा ग्रामीण और किसानों को मंदी ने अधिक व्यथित किया नगरवासियों को तो मंदी का प्रभाव कम प्रतीत हुआ लेकिन जो ग्रामीण इलाके के किसान थे उनको इस मंदी ने अधिक व्याकुल कर दिया परेशान कर दिया एक वोर जहां कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिर रही थी वहीं सरकार ने लगान में छूट देने से मना कर दिया एक वोर ये हुआ कि जो किसान अपना फसल का उत्पादन करते थे और उसकी कीमत जो है नीचे गिरती जा रही थी बहुत तेज गति से और वहीं सरकार ने क्या किया लगान में छूट देने से भी मना कर दिया विश्व बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसानों पर मंदी की मार अधिक घातक थी और जो विश्व के लिए उत्पादन करते थे यानी विश्व बाजार के लिए उत्पादन करते थे उन किसानों पर इस मंदी ने बहुत ही घातक प्रभाव डाला टाट का निर्यात बंद होने से पटसन की कीमतों में साठ प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई जब ताट का निर्यात बंद हो गया तो पटसन की कीमतों में भी साठ प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत कीमती धातु सोने का निर्यात करने लगा और भारत ने मजबूरी में क्या किया इन मंदी के वर्षों में उसने सोने की धातुओं का निर्यात यानी इनको भी बेचने लगा 1931 सौ ईस्वी में जब मंदी अपने शीर्ष पर थी यानी 1931 सौ ईस्वी में बहुत ही घातक मंदी का प्रभाव था तब भारत का ग्रामीण क्षेत्र अत्यंत मुश्किल दौर से गुजर रहा था तब भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र था वह अत्यंत मुश्किल दौर से गुजर रहा था मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रश्न है कौन कौन था गुटेन बर्ग था वह क्यों प्रसिद्ध है इस प्रश्न को भी आप जरूर लिख लेना याद कर लेना व्यापारी पिता की संतान योहान गुटेनबर्ग खेती की एक बड़ी रियासत में पला बड़ा था जो व्यापारी पिता था यानी इसके पिता क्या थे व्यापारी थे और इसका पूरा नाम क्या था योहान गुटेनबर्ग खेती की एक बड़ी रियासत में पला बड़ा था बचपन से ही वह तेल व जैतून पैरने की मशीनों को देखकर बड़ा हुआ था उसने क्रमशः पत्थर पालिश करने सुनारी और शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने की कला में दक्षता प्राप्त की 1448 ईस्वी में उसने छपाई की कला में दक्षता प्राप्त की 1448 सौ ईस्वी में उसने छपाई संबंधी यंत्र बनाने में सफलता प्राप्त की कब 1448 सौ ईस्वी में गुटेन वर्ग ने छपाई संबंधी यंत्र बनाने में सफलता प्राप्त की उसने तीन वर्ष में बाइबल की 180 प्रतियां छापी और इसने क्या किया तीन वर्षों में बाइबल की 180 प्रतियां छापी जो उस समय के तकनीकी ज्ञान और निपुणता को देखते हुए अत्यंत तीव्र गति कही जा सकती थी किंतु यह नई तकनीक हाथ से किताबों को छापने की तकनीक का पूरी तरह स्थान नहीं ले सकी मेरे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है इसको तो आपको रटना ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ इसको समझना है तो चलिए प्रश्न क्या है जैव और अजैव संसाधन क्या हैं कुछ उदाहरण दीजिए जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं या क्या हैं कुछ उदाहरण दीजिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर होगा ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिसमें यानी जिनमें जीवन व्याप्त होता है तथा उन्हें जैव संसाधन कहते हैं ऐसे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें क्या पाया जाता है जीवन पाया जाता है ये संसाधन कैसे संसाधन कहलाते हैं ये संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं उदाहरण के लिए पशुधन मत्स्य जीवन प्राणी जगत वनस्पति जगत एवं मनुष्य याद आप लोग यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा पशुधन और मत्स्य जीवन यानी मछलियों में जीवन पाया जाता है प्राणी जगत कोई जीव जंतु तो है उसमें भी जीवन पाया जाता है वनस्पति जगत पेड़ पौधे हैं या कोई लताएं हैं इसमें भी जीवन पाया जाता है मनुष्य तो आप सभी जानते हैं जीवित अवस्था में होते ही हैं तो कहने का तात्पर्य है जो कि जो संसाधन जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन पाया जाता है वह कहलाते हैं जैव संसाधन और आगे अजैव संसाधन क्या है ऐसे समस्त संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं और ऐसे संसाधन जो कि निर्जीव अवस्था में होते हैं या निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं क्या कहलाते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं जैसे कि धातुएं। अब धातुएं जैसे सोना है तो सोना क्या है अजैव संसाधन है सोने से निर्मित कोई भी वस्तु है वह कैसी है जैव है याजै अजैव संसाधन है एवं चट्टाने जो चट्टाने होती हैं ये भी अजैव होती हैं मेरे कहने का तात्पर्य है जैव संसाधन जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और उनमें क्या पाया जाता है जीवन पाया जाता है अजैव संसाधन में जीवन नहीं पाया जाता और ना ही इनका वृद्धि या इनका विकास होता है तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये सभी प्रश्न आप लोग इन प्रश्नों को जरूर लिख लो जरूर तैयार कर लो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आप लोग पढ़ते रहें मस्त रहें स्वस्थ रहें जय हिंद